I think the girls with their nails done now. सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल पिस्टन नाफ। सो गाइज, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, हम फिर से आ चुके हैं KTM के शोरूम में एक बाइक की रिव्यू वीडियो बनाने। एंड वो बाइक है ये दी KTM ड्यूक 200 सेकेंड जनरेशन। एंड सच बताओ तो इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही मेन रीज़न ये है कि आज के टाइम पे पब्लिक अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मशीन ढूंढ रही है। तो हम वही आज फाइंड आउट करने वाले हैं कि क्या ये बाइक अब भी वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, या फिर ओवर प्राइस हो चुकी है। एंड साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या जो ये फीचर्स प्रोवाइड कराती है वो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग सही है नहीं। एंड ये जो आप लेफ्ट साइड में पानी देख रहे हो ना, प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, सो प्लीज़ इग्नोर डैट। तो चलो अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, साथ में देखेंगे ये जो भी चीज़ें ऑफर कर रही है इस प्राइस पॉइंट में, एंड एट देन हम कंक्लूजन देंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट पार्ट से। तो जैसा कि अभी आपको सामने दिख रहा होगा, इस बाइक का हेडलाइट सेटअप जो कि सिमिलर है ड्यूक 250 ओल्डर जनरेशन से। एंड सच बताओ तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको वही सेटअप मिलता है। लेफ्ट एंड राइट साइड में DRLs एंड बीच में हैलोजन बल्ब का सेटअप। सच बताओ तो अभी के टाइम पे हैलोजन बल्ब थोड़ा सा चीप लगता है, बट ये वर्क बहुत ही ज़्यादा इफिशियंटली करता है। एंड अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट इसमें ड्यूक 390 या ड्यूक 250 का हेडलाइट इंस्टॉल करवा सकते हो। तो ये बात हो गई हेडलाइट की। अब बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। तो दीज आर दी WP अपसाइड डाउन फोक्स। ये आपको एपेक्स के सस्पेंशन नहीं मिल रहे जो KTM अभी अपने लेटेस्ट बाइक में यूज़ कर रही है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट फिर भी ये सस्पेंशन भी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करती है। तो ये बात हो गई सस्पेंशन की। अब बात करते हैं इसके ब्रेक के बारे में। तो जो फ्रंट में आपको मिलती है, सो ये है बाइब्रे के 4 पिस्टन कैलिपर अलॉन्ग विथ 300mm का डिस्क प्लेट साइज। सच बताओ तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है ब्रेकिंग के मामले में। एंड आपको इसमें एक प्लस पॉइंट और मिलता है जो है ABS। अब आपको इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है, लाइक रियर एंड फ्रंट दोनों में अब आपको ABS मिलते हैं। सो अब आपको सेफ्टी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इस बाइक में। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में। तो ये ओल्ड स्कूल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ही है, बट आपको ये ओल्ड स्कूल तब लगेगा जब आपने प्रीवियसली KTM की बाइक यूज़ कर रखी है। अगर आपने KTM की बाइक यूज़ नहीं कर रखी तो ये आपको कहीं से भी ओल्ड स्कूल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर नहीं लगने वाला, जस्ट बिकॉज कि इसमें आपको जितने भी फीचर्स या जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बात हो गई इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में। अब बात करते हैं इसके टैंक के बारे में। तो इसकी कैपेसिटी है 13.5 लीटर्स, जो कि मोर देन सफिशियंट है हाईवे एंड सिटी पर्पज़ के लिए। सो सामने आप यहाँ पे देख रहे हो एक बहुत ही प्यारा स्टिकर से ड्यूक 200 लिखा हुआ है, ब्रांडिंग की गई है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर आप वाइट कलर में देखो इस बाइक को तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। ये है 199.5 cc DOHC लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 25.4 PS की पावर। एंड साथ में ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है 19.5 Nm का, जो कि अपने सेगमेंट में बेस्ट मानी जाती है। तो अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट सिस्टम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके एग्जॉस्ट पाइप, जो ये अब बाइक के नीचे से जाती है। पहले ये बाइक के बीच से जाती थी, बट फॉर द बेटर हीट मैनेजमेंट, जिससे हीट कम प्रोड्यूस हो, इसकी वजह से अब इसको नीचे कर दिया गया है, जैसा कि अभी आप सामने देख सकते हो। बट इससे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। लाइक जैसा कि अभी आप सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसकी वजह से आप जब भी कोई ब्रेकर से जब गुजरोगे तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अब जब हीट की बात हो ही गई है, तो अब बात करते हैं इसके रेडिएटर के बारे में। तो जो ये रेडिएटर है, ये सिंगल फैन से पावर्ड किया गया है। लाइक इसमें आपको सिंगल फैन का सेटअप मिलता है। एंड सच बताओ तो ये मोर देन सफिशियंट है इस बाइक के लिए, क्योंकि ये बाइक उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है जितनी इसकी 390 cc की बाइक होती है। तो सिंगल फैन इसके लिए मोर देन सफिशियंट है। तो ये बात हो गई रेडिएटर की। अब बात करते हैं इसके मोनोशॉक की। तो इसमें आपको मिलता है WP के ही मोनोशॉक, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आपको एल्युमिनियम स्विंगम मिल जाता है, साथ में आपको रियर डिस्क मिल जाता है, एंड साथ में ये ऑरेंज एलॉय मिलते हैं, एंड ये आपको टायर मिलते हैं MRF के। एंड हाँ, इस टायर के बारे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूँ, तो ये है MRF Rev C1 टायर। एंड जब से ये बाइक लॉन्च हुई है ड्यूक 200 या RC 200, तब से ये कंपनी इसी टायर को यूज़ करती है अपने बाइक में। सच बताओ तो ये
टायर बहुत ही ज़्यादा इफ़िशेंटली वर्क करता है इस बाइक के पावर के साथ। तो अब बात करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की। तो एग्जॉस्ट सिस्टम की बात क्या करें, इसकी तो हम डायरेक्ट आपको साउंड सुनाएंगे इस वीडियो के एंड में। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है इसका ये ग्रैब रेल। सच बताओ तो ये डिज़ाइन मेरे को बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है। अब बात करते हैं इसके सीट कम्फर्ट की। तो सामने देख रहे होगे ये सीट कम्फर्ट, यहाँ देखो आप ये स्पंज देख रहे हो, ये पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीट कम्फर्ट कर दिया गया है। एंड साथ में आप इसके पिलियन सीट का विड्थ देखो, दिख रहा है ये बहुत ही अच्छे खासे साइज़ की पिलियन सीट है। कंफर्ट भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि कंफर्ट कम है, कंफर्ट भी बहुत अच्छा खासा है। बट हाँ, लॉन्ग राइड के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट अच्छा खासा है। एंड साथ में एक और चीज़ बताता हूँ, जो ग्रैबल आप देख रहे हो ना, इसका डिज़ाइन देखो, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे। एंड सच बताओ इसका फ़नी पार्ट भी है, इसका ऐसा डिज़ाइन इसलिए बनाया गया था जस्ट बिकॉज पिलियन की वजह से इसका बैकलाइट हमेशा डैमेज हो जाता था, इसलिए कंपनी को इस डिज़ाइन का ये ग्रैब रेल्स बनाना पड़ा, ताकि अगर पिलियन बैठे भी तो उसकी वजह से इसका बैकलाइट डैमेज ना हो। तो चलो अब बैकलाइट की जब बात हो ही गई है, तो आप देखते हैं इसके बैकलाइट को। तो ये देखो ये बैकलाइट इसका इतना ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे, जब ये नाइट में इसकी जो LEDs जब लाइट अप होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, इस बाइक में आपको फ्रंट पार्ट छोड़ के, जो इसका हेडलाइट सेटअप है वो छोड़ के, सारे लाइट्स आपको LED में ही मिलते हैं। लाइक अब जैसे LED इंडिकेटर्स देख लो या इसका बैकलाइट देख लो, सब कुछ आपको LED सेटअप में मिलता है। सो इसमें आपको सारी गार्ड भी दिया गया है, जो कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं करने वालों, मैं जानता हूँ, बट एज़ पर द इंडियन नॉर्म्स इसमें कंपनी को देना ही पड़ता है। तो चलो ये बात हो गई सारी गार्ड की, अब बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो इस बाइक के लुक्स के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, उसका तो सिनेमैटिक शॉट्स आपने देख ही लिया है स्टार्टिंग में। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही मेन पॉइंट के बारे में, इसके हैंडल बार के बारे में। तो जो आपको ये हैंडल बार दिख रहा होगा ना, तो ये है ड्यूक 200 का ही हैंडल बार। तो आप ये मत सोचना कि इस बाइक का लुक 390 के जैसा या 250 के जैसा कर दिया गया है, तो इसका हैंडल बार भी 250 का ही होगा। खैर यहाँ पर मैं आपको ये बटन क्वालिटीज़ चेक करा देता हूँ, तो ये बटन के क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको कहीं पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ प्लास्टिक के मामले में तो नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक KTM हमेशा प्रीमियम ही यूज़ करता है। तो चलो वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सब वेट कर रहे थे और मैं भी वेट कर रहा था, जो था इसका एग्जॉस्ट साउंड। सो गाइस, कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट नोट एंड कैसे लगे इस बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। तो चलो अब हम इस पॉइंट पे चलते हैं कि क्या ये बाइक अभी भी ओवर प्राइस है या फिर वैल्यू फॉर मनी है। तो सच बताओ तो आज के टाइम पे 150cc की बाइक भी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ कॉस्ट करती है, एंड ऑन द अदर हैंड ये आपको 2.20 लाख के अप्रॉक्स कॉस्ट करती है। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये बाइक आपके लिए 100% वैल्यू फॉर मनी है। बट एज ऑलवेज, जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई भी बाइक लेने से पहले उस बाइक की आपको टेस्ट राइड लेनी चाहिए, तो इस बाइक को भी लेने से पहले आप इस बाइक की टेस्ट राइड ज़रूर ले लेना। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर क्रेजी रील्स एंड लेटेस्ट अपडेट। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, एंड सामने भी आपको डिस्प्ले पे मेरे इंस्टाग्राम की ID दिख रही होगी। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।